हाय, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, मेडी सर्कल काफ़ी हेल्थ केयर रिलेटेड टॉपिक्स पे अवेयरनेस सीरीज कर रहा होता है। इस बार हम आपके सामने लेके आ रहे हैं हैप्पीनेस हैपेंस डे अवेयरनेस सीरीज। हैप्पीनेस हैपेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ हैप्पी पीपल के द्वारा। दे वॉन्टेड टू स्प्रेड द जॉय ऑफ बींग हैप्पी, एंड उनका उनकी ये कोशिश थी कि वो लोगों को भी जो जो जीवन का ब्राइटर साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, उसके तरफ उनका ध्यान दे सके, और साथ ही साथ वो लोग जो लाइफ के पॉजिटिविटीज है उनके तरफ अपना ध्यान बढ़ाए, और नेगेटिव ना हो, डिप्रेस ना हो, और पॉजिटिव रहें, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करें। दिस डे इज ऑल्सो अबाउट शेयरिंग वंस हैप्पीनेस एंड ब्रिंगिंग लॉट ऑफ जॉयस टू अदर पीपल्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2019 में रिलीज की गई थी, इंडिया लगातार काफी हद तक खिसक रहा है। रैंकिंग की अगर बात की जाए तो, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो, इंडिया काफी जोन्स में तरक्की कर रहा है। स्टार्टअप्स, इकोनॉमिक, सोशल वे में, हर वे में इंडिया आगे जा रहा है। लेकिन जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इंडिया का रैंकिंग जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है पिछले कुछ सालों में। जैसे इस साल 2019 में इसकी रैंकिंग 140 थी करीब 156 देशों में, जो कि 2015 में करीब 117 थी। इस हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस हैपेंस डे के ओकेजन पे, जैसे मैंने बताया, हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम कई तरह के एक्सपर्ट से ये बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को खुश रहना क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ वो कैसे अपने डे टू डे चैलेंजेस को मैनेज करके खुश रह सकते हैं। आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर चिन्मय देशपांडे से। डॉक्टर चिन्मय देशपांडे पुणे एक ही इज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इथियोमिया साइकोलॉजिकल वेलनेस सेंटर, जो कि पुणे में बेस्ड है, और साथ ही साथ वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज पुणे में। डॉक्टर चिन्मय देशपांडे एक साइकियाट्रिस्ट हैं जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में रैशनल और रियलिस्टिक वेज में विश्वास करते हैं। वो रैशनली और काफी रियलिस्टिक वेज में पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर चिन्मय। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो डॉक्टर चिन्मय, खुश रहने का ये जो डे है, हैप्पीनेस हैपेंस डे, कि लोग खुश रह सके और परेशान ज्यादा ना हो, डिप्रेस ज्यादा ना हो, खुशी की परिभाषा क्या है डॉक्टर चिन्मय? अगर अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? खुशी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, खुशी का कोई डेफिनेशन नहीं होता। इट चेंजेस विद एवरी पर्सन। किसी की खुशी हो सकती है कि टू हैव जस्ट टू स्क्वायर मील्स अ डे, और किसी की खुशी हो सकती है कि उनको ऑडी और या बीएमडब्ल्यू चाहिए। सो खुशी वेरीज विद द इंडिविजुअल, his social status, his financial status, his religion, his culture, everything. So there is no any definition of khushi or happiness as such. So the thing is, happiness is a state of mind. तुमको जो जिसकी जरूरत है, अगर तुम उससे सेटिस्फाइड हो तो तुम खुश रहोगे। तुमको एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जैसे कि मतलब गीता में लिखा है कि अपने जो 5 senses है उसको हमको अगर ज्यादा से ज्यादा खुश रखना है तो फिर हम कभी हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, टेस्ट, हियरिंग, विजन, तुम चाहे कितने भी सिनेमा देख लो, तुम चाहे कितने भी गाने सुन लो, तुम चाहे कितना भी अच्छा फूड खा लो, तुम उस मोमेंट के लिए हैप्पी रहोगे। बट टू
be really happy, you have to be satisfied from the inside. Definitely. You have to be satisfied. So there is a difference between satisfaction and happiness. Satisfaction will lead you to happiness. Definitely. And happiness is a state of mind in which there is contentness, there is blissfulness, there is satisfaction. So happiness comprises of a lot of things. So there is no such thing as happiness. Completeness or no such definition as happiness. आपने बताया कि कम्प्लीटनेस और सेटिस्फेक्शन इज लाइक द इनरमोस्ट थिंग. अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप खुश रह सकते हैं. खुशी की कोई परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए खुशी की परिभाषा अलग अलग होती है. खुशी का स्वास्थ्य से वन पर्सन कैन बी सेटिस्फाइड, सॉरी, वन पर्सन कैन बी सेटिस्फाइड इन living in one room with just one set of clothes. जी. And you may be content in that. बिल्कुल. And on the other hand, you may have 100 set of clothes, but still not be happy. Definitely. You may be living in a room of in a bungalow of 16 rooms, but you still may not be happy. Definitely. So, It is about contentment. It is about fulfillment. Surely. डॉक्टर चिन्मय, खुशी का हमारे हेल्थ से कैसा संबंध है, क्या संबंध है? जैसे जनरली लोग कहते हैं कि बी हैप्पी बी हेल्दी, यानी अगर आप खुश रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ज्यादा जिएंगे और आपको बीमारियां कम होंगी. आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, अभी थोड़ा इसमें स्पिरिचुअलिटी भी मिक्स होता है कि भगवान ने भगवत गीता में लिखा है कि यू हैव, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग यू नीड बट नॉट एवरीथिंग फॉर योर ग्रीड. सो आपका जो सवाल था कि हैप्पीनेस, आपका सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी, मेरा सवाल ये था कि खुशी का हमारे स्वास्थ्य यानी हमारे हेल्थ से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? हाँ, तो अगर हम हमारे नीड नीड के लिए जो बनाया गया है उस पे कॉन्सेंट्रेट करें जी. तो हमारी हेल्थ, दोनों मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारी नीड क्या है? सुबह शाम का खाना, सब्जी रोटी, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स इन द इवनिंग एंड स्लीप, गुड नाइट स्लीप एंड अ गुड इनकम. ये हमारी नीड है. लेकिन वी हैव द दिस फ्री विल, तो हम हमेशा, मैन हैज अ टेंडेंसी to have high expectations and high goals. मतलब पहले से ही, बचपन से ही हमको ये बताया जाता है कि always set high goals, aim for the moon so that you will land on the stars. ऐसे 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 चीजें, happiness, तुम ये degree कर लो ताकि हम happy हो जाएंगे. ऐसे बहुत parents कहते हैं बच्चों को कि तुम ये बन जाओ, मतलब हम खुशी खुशी मर जाएंगे. तो ये जो है, ये सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ाता है आदमी की. और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है तो फिर उसको एक्सपेक्टेशन पाने की एंग्जाइटी बढ़ती है. जी. और फिर एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन नहीं मिले, नहीं अचीव हुए, तो फिर बाद में डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. ओके, सो
ऐसा हो इट अफेक्ट्स द माइंड। बिल्कुल और कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा रहते हैं कि दे फॉरसेक देयर फूड, दे फॉरसेक देयर स्लीप, दे फॉरसेक देयर डेली रूटीन, मतलब पूरा डे नाइट साइकिल का ये रिवर्सल कर देते हैं। तो हमारे बॉडी का एक रिदम रहता है, गॉड ने एक रिदम दिया है हमको, उसको मतलब मेडिकल टर्म में सर्केडियन रिदम कहते हैं। सो नाइट इज मेंट फॉर स्लीप और उसमें सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी के कैरी आउट होती है एंड डे इज मेंट फॉर एक्टिविटीज, उसमें सब एनर्जी यूटिलाइज होती है जो रात के मेटाबॉलिज्म से तैयार होती है। तो अगर तुम रिवर्स करोगे तो हेल्थ पे इफेक्ट तो होगा ही, मतलब तुम गाड़ी उल्टी चलाओगे तो कभी ना कभी तो भड़केगी ही ना। और डॉक्टर चिन्मय एक और सवाल है कि क्या ये जो हम खुश रह सकते हैं या खुश रहने का जो एक हैबिट है, जो लोग खुश होते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है? खुश होने का पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है? हमारा जो व्यक्तिगत जो हमारा पर्सनालिटी है उस पर क्या असर डालता है? खुश रहना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द इमोशंस, देयर आर सिक्स इमोशंस इन टोटल। खुशी इज जस्ट वन इमोशन ऑफ दैट। सो देयर इज हैप्पीनेस, लाइक खुशी, देन देयर इज सैडनेस, दैट इज निराशा, देन देयर इज एंगर, दैट इज गुस्सा, देन देयर इज फियर, that is dark, then there is aur ek do hai emotion, abhi main pura ye nahi kar dhyan mein nahi aa raha hai. So there are six type of emotion, so happiness is just one type of them and we have all types of emotions between us in our brain. And there comes a time that one of these emotions is utilized somewhere. मतलब ये हर एक इमोशन कभी ना कभी तो यूटिलाइज होता ही है इन योर डेली लाइफ. ओके, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिर्फ खुश रहना ये उसका कुछ रोल नहीं है, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डिफिकल्टीज या चैलेंजेस को टैकल करके, मतलब जो ऑब्स्टेकल्स आए पास में उससे निराश होके या डिप्रेस होके या गुस्सा होके गलत तरीके से हैंडल ना करते हुए प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उसको फेस करना, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है. तो इसमें खुशी का कोई रोल नहीं है उसमें, बाकी खुशी छोड़ के बाकी छह इमोशन, बाकी पांच इमोशंस का रोल है. पर्सनालिटी को मतलब क्या, पर्सनालिटी क्या होती है कि मतलब हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन के रिएक्शन कैसे होते हैं हर हर बार. मतलब किसी की वरिंग पर्सनालिटी होती है कि हर चीज में वो चिंता दिखाता है, किसी में एकदम निडर पर्सनालिटी होती है कि किसी चीज में वो डरता नहीं है. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. तो
पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में खुशी छोड़ के बाकी सब जो इमोशंस है उसका रोल ज्यादा है। बिल्कुल, छठा इमोशन जो है डॉक्टर चिन्मय, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो है आश्चर्यचकित होना या चकित हो जाना या सरप्राइज हो जाना। तो यानी खुशी के अलावा सरप्राइज, कई सारे इमोशन, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट और फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब कुछ बेसिक इमोशंस है ह्यूमन के, जो काफी हद तक हमारे पर्सनालिटी को कार करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर चिन्मय, कि कोविड की जैसे कठिन परिस्थिति में जिसमें कई लोग काफी डरे हुए थे जब इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं था तब, और अभी जबकि वैक्सीनेशन है और फिर भी इंडिया इज फाइटिंग बैक एंड अगेन देयर इज अ थर्ड वेव टू बी लाइक अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस, सो इस तरह के कठिन समय में खुश रहने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? वही अभी जैसे मैंने कहा कि खुशी एक इमोशन है एंड इमोशन का टेम्पररी। अभी सुबह उठ के अच्छी खबर मिली तो हम खुश होते हैं, बट दैट लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स टू सेकंड, और फिर हम अपने रूटीन वर्क पे लग जाते हैं। मतलब सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला, खुशी होती है थोड़े देर के लिए, फिर बाद में हम अपने रूटीन वर्क के लिए निकल जाते हैं। दूसरी बात, अभी जो ये तालिबान का चालू है, ये देख के गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा भी इमोशन है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। पेपर बंद किया, गाड़ी में बैठे, काम पे चले गए, तो वो सब भूल जाते हैं हम जी। काम पे तो गुस्सा नहीं निकालते ना, तो सो ये कोविड में भी वही है कि ये खुशी या गम ये सब इमोशंस है, और इमोशन ये टेम्पररी रहते हैं, और हैप्पी रखना खुद को कंटिन्यूअसली तो कोई इंसान हैप्पी नहीं रह सकता जी। अगर कंटिन्यूअसली अगर हैप्पी रहेगा तो फिर उनको मेरे पास भेजना पड़ेगा, देन ही मस्ट हैव अ डिसऑर्डर। सो कंटिन्यूअसली तो खुश कोई नहीं रह सकता, लेकिन इन टफ टाइम्स में एटलीस्ट वी कैन बी प्रैक्टिकल, वी कैन बी रैशनल। भगवान ने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस दिया है हमको, हमारा फ्रंटल लूप जो दिया है जो बाकी एनिमल्स में नहीं है। ओके, तो फ्रंटल लोब हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, दैट इज द रोल ऑफ द फ्रंटल लोब, इट कंट्रोल्स आवर इमोशन। तो फ्रंटल लोब से इंटेलिजेंस आता है, सो प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी, रियलिज्म, ये सब चीजें, रीजनिंग, ये सब चीजें करके वी कैन कंट्रोल आवर नेगेटिव इमोशंस एंड जस्ट लाइक एंड देन इट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग कंटेंट। डेफिनेटली। सो एनी मैसेज डॉक्टर चिन्मय यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस, चलते चलते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट यू माइट बी ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स, आप काफी पेशेंट्स को ऐसे भी देख रहे होंगे जो आपके पास डिप्रेशन लेके आ रहे होते होंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते? और ज्यादा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, बेसिकली बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। अभी इतना सब दो वेव्स हो गए कोविड के एंड स्टिल यू आर alive, be grateful for that. You have a job, or you don't have a job, but
you have a family, you have kids, you have your family support. Be grateful for that. It is not necessarily to be all happy always. Nobody can be happy always. So try to be content, try to be grateful, and try to, if you have the privileges, try to help others who are not so grateful, who are not so privileged. That will be my message. Sure. Thank you so much, Dr. Chinmay, for coming to Merry Circle and sharing your insightful views with us. Wish you all the best for your future endeavors. Thank you.